हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने टेलीविजन इंजीनियरिंग में यूनिट 5 में कलर टेलीविजन के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जाना था, और आज हम लोग का नया टॉपिक जो कि क्या है, तो रिमोट कंट्रोल है। तो रिमोट कंट्रोल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यूनिट 6 है, यूनिट 6 नंबर है, और इसके फर्स्ट टॉपिक रिमोट कंट्रोल के इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो रिमोट कंट्रोल क्या है? तो रिमोट कंट्रोल एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसका यूज आप लोगों ने किया होगा। कोई ऐसे नहीं होंगे जो रिमोट कंट्रोल का यूज नहीं किए होंगे, क्योंकि हर घर में आजकल टेलीविजन मौजूद है, और टेलीविजन मौजूद है तो वहां पे रिमोट कंट्रोल भी होगा, जिसके मदद से आप लोग क्या करते होंगे, बेड पे बैठे बैठे ही टेलीविजन का वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं, फिर चैनल को आप चेंज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम, कहने का मतलब टीवी से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, रिमोट कंट्रोल के मदद से उसको ऑपरेट कर पाते हैं, टीवी को ऑफ भी कर लेते हैं, ऑन भी कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किसके मदद से करते हैं? तो हम लोग रिमोट कंट्रोल के मदद से करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल क्या है? हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस है, कनेक्ट मतलब हाथों से ये ऑपरेट होता है, और ये पोर्टेबल है, इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये इसी जो आपका रिमोट कंट्रोल है, इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जाने कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो रिमोट कंट्रोल क्या होता है? रिमोट कंट्रोल में एक कीपैड होता है जो कि ऊपर में होता है, फिर उसके अंदर में क्या होता है, डिजिटल आईसीज होते हैं, और उसमें एक आगे में देखिएगा लगा हुआ रहता है एलईडी लाइट के तरह, वो रहता है क्या, तो एलईडी लाइट ही रहता है। वो क्या करता है? तो वो लाइट के फॉर्म में सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, और वो जो आपका रिसीवर है, जो आपका रिसीवर है, टीवी रिसीवर, जो सेटअप बॉक्स है जो टीवी के पास होता है, उस सेटअप बॉक्स से उसी लाइट के फॉर्म को के सिग्नल को जो वो जेनरेट करता है, उसको वो सेटअप बॉक्स क्या करता है, कैच करता है, रिसीव करने का काम करता है, और रिसीव करने के बाद जो भी लाइट के फॉर्म में जो भी कोडिंग सिग्नल है, जो कोड करके सिग्नल सेंड किया जाता है लाइट के फॉर्म में, उस सिग्नल को डिकोड करके, और डिकोड करके वो उसके अनुसार वर्क को परफॉर्म करता है। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जिसके मदद से उस सिग्नल को डिकोड किया जाता है। वहां पे रिसीवर वाले सेट में एक फोटो डायोड लगा हुआ रहता है, जो यहां से जो रिमोट कंट्रोल से जो आपका इंफ्रा रेड सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद डिकोडिंग करता है, और डिकोडिंग करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सिग्नल जनरेट किया जाता है कि क्या परफॉर्म कराना, उसके अनुसार से उसके सिंबल को दिया जाता है, और उसके अनुसार वो वर्क परफॉर्म कराता है। जैसे हम अगर अपने रिमोट कंट्रोल से वॉल्यूम अप वाला बटन को क्लिक करते हैं तो वहां से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से हो पाता है। चलिए ये इसके ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझते हैं रिमोट कंट्रोल कैसे वर्क करता है। तो ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है रिमोट कंट्रोल का। रिमोट कंट्रोल हैंड हेल्ड डिवाइस है जो कि वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं। आजकल रिमोट कंट्रोल हर जगह यूज हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार वगैरह, ये सब के गाड़ी वगैरह, ये सब में रिमोट सिस्टम है, वो क्लिक कीजिए, बटन क्लिक कीजिए, लॉक आपका खुल जाता है। तो क्या है, उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है जिसके रेंज में वो वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग रिमोट कंट्रोल के बारे में। तो ये देखिए रिमोट कंट्रोल यूनिट है जिसको हम लोग हैंड हेल्ड, एक छोटा सा फिगर मैंने बनाने का ट्राई किया है। तो इसमें देखिए क्या होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं जिससे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसी रिमोट कंट्रोल में क्या होता है, तो इसमें इसमें क्या लगा हुआ रहता है, तो हमारा एक आईसी होता है, डिजिटल आईसी लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, इस वाले सिग्नल को कन्वर्ट करता है, और इसमें क्या होता है, तो एक एलईडी लगा हुआ रहता है, आगे में देखिएगा रिमोट कंट्रोल के आगे में एक एलईडी लाइट के तरफ लगा हुआ रहता है। वो क्या होता है, वो क्या करता है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, यहां से मान लिया चाहे हम 9 को प्रेस किए, तो उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है कि वो डिजिटल आईसी उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो जो एलईडी है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और यहां से ये जो सिग्नल जनरेट हुआ, जो ट्रांसमिट हुआ, वो कहां जाता है, तो उस रिसीवर के पास जाता है जो आपका सेटअप बॉक्स है। उस सेटअप बॉक्स में क्या होता है, एक फोटो डायोड सेंसर होता है, वो क्या करता है, उसको कैच करता है, और कैच करने के बाद उस
को एम्पलीफाई करता है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके, एम्पलीफाई करने के बाद डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसके अनुसार वो वर्क परफॉर्म कराता है। तो देखिए यहां से ये जो है ये क्या है, तो ये इंफ्रारेड सिग्नल है, ठीक है, ये इंफ्रारेड सिग्नल है। और ये देखिए ये जो है आपका क्या है, तो ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ये क्या है, ये आपका सेटअप बॉक्स में एडजस्टेड है, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है वो किसका है, तो ये आपके सेटअप बॉक्स में एक रिमोट कंट्रोल वाला जो रिसीवर यूनिट है वो सेटअप बॉक्स में है, उसका ये ब्लॉक डायग्राम है। तो देखिए यहां से ये सिग्नल जनरेट हुआ इंफ्रारेड के टर्म में, और ये क्या हुआ, ये कहां जाएगा, तो ये सेटअप बॉक्स में जो हमारा फोटो डायोड लगा हुआ है जो कि क्या करेगा, इसी इंफ्रारेड सिग्नल को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसको सेंस करेगा, और सेंस करके उसको रिसीव करेगा। उस इंफ्रारेड सेंसर के द्वारा वो जो है फोटो डायोड की तरफ वर्क कर रहा है, वो उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उस लाइट वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसको दिया जाएगा, तो एम्पलीफिकेशन करने के लिए उसमें एक एम्पलीफायर लगा हुआ रहता है, उस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है, उस एम्पलीफायर में क्या होगा, एम्पलीफिकेशन होगा, उसके कंडीशन के अनुसार जो पल्स जनरेट होगा, मान ले जाए वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो उसके अनुसार ये क्या करेगा, तो उसका पल्स जनरेट करेगा, डिकोड करेगा, और फिर वो पल्स किसको जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा, इस माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा, और ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये माइक्रो प्रोसेसर अपना जो सर्किट है उसको देगा। ये माइक्रो प्रोसेसर उस कंडीशन वाले पल्स को लिया और उस पल्स को फिर कहां दिया, तो इस डिकोडर के पास दिया। ये डिकोडर क्या करेगा, उस वाले जो सिग्नल आया, जो पल्स के फॉर्म में जो सिग्नल आया उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद उससे में क्या इंफॉर्मेशन आया, मान लिया जाए वॉल्यूम इंक्रीज करने का इंफॉर्मेशन आया, तो उसके अनुसार ये डिकोड करके वो सिग्नल को क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा सिग्नल फॉर कंट्रोलिंग टीवी फंक्शन को। और ये क्या करेगा, उस सिग्नल के अनुसार, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार ये क्या करेगा, तो सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल करने वाला सिग्नल। मान लिया जाए वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला सिग्नल आया था, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करने वाला सिग्नल जनरेट करेगा, और उस वाले सिग्नल को जनरेट करके वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू क्या जाएगा, तो मान लिया जाए वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला था, तो देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीज करने वाला, ये प्लस माइनस है, तो यहां से ये क्या करेगा, उस वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद चैनल सिलेक्शन वाला, अगर आपका यहां से सिग्नल ट्रांसफर हुआ, चैनल को इंक्रीज किए या डिक्रीज किए, तो उसका सिग्नल आया, तो वो फिर से इस तरह से एम्पलीफिकेशन होते हुए माइक्रो प्रोसेसर ही डिकोडर को जाएगा, डिकोडर उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, तो ये चैनल सिलेक्शन के पास भेज देगा। चैनल सिलेक्शन वाला उसके अनुसार सिग्नल को जनरेट करेगा, और वो फिर से माइक्रो प्रोसेसर को होते हुए चैनल वाले जो अपकमिंग और डाउनकमिंग है उसको चला जाएगा। तो उसमें इसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग चैनल को सिलेक्शन कर पाते हैं। उसी तरह से फाइन ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग जिसको हम लोग शॉर्ट में FT और चैनल सिलेक्शन को CS कह रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस उस तरह से परफॉर्म हो पाता है। तो इस तरह से हमारा एक रिमोट कंट्रोल वर्क करता है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में क्या होते हैं, एक डिक्रीजिंग का सेक्शन होता है और एक इंक्रीजिंग का होता है, कहने का मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, चैनल को आगे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग करते हैं, जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल में इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो को भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शन हमारा एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। देखिए रिमोट कंट्रोल के एप्लीकेशन में बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे टेलीविजन में आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह, ये सब, जैसे आपका AC को कंट्रोलिंग करने के लिए भी रिमोट कंट्रोल का किया जाता है। फिर आपको कार वगैरह ये सब में अब तो सेंसर वाला आ गया है, तो उसमें भी हम लोग रिमोट कंट्रोल का यूज करते हैं। रोबोटिक्स में रिमोट कंट्रोल का यूज किया जाता है, और भी वेरियस टाइप ऑफ वीडियो गेम वाले जो एप्लीकेशन होते हैं, टॉयज होते हैं, वो सब रिमोट कंट्रोल से हैंड हेल्ड होते हैं। तो बहुत सारा वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रिमोट कंट्रोल का है। तो इस तरह से हम लोगों ने रिमोट कंट्रोल के बारे में जाना। तो चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूनर के बारे में, कि ट्यूनर क्या होता है। जैसा हमारा रेडियो रिसीवर में क्या होता था, एक ट्यूनिंग का प्रोसेस होता था, जो किसके द्वारा हो पाता था, तो ट्यूनर सेक्शन के द्वारा हो पाता था। तो चलिए आइए ट्यूनर सेक्शन के बारे में जानें।
तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्यूनर के बारे में। ट्यूनर क्या होता है? तो ट्यूनर क्या होता है, तो रेडियो रिसीवर में जो हमारा रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, हम लोग टीवी की बात कर रहे हैं ना, टीवी रिसीवर, तो टेलीविजन रिसीवर में क्या होता है, एक ट्यूनर सर्किट होता है। एंटीना के बाद जो आपका लगा हुआ रहता था वो क्या होता था, ट्यूनर सर्किट। उस ट्यूनर सर्किट की मदद से हम लोग क्या कर पा रहे थे, तो सिलेक्शन कर रहे थे। कहने का मतलब जो चैनल का सिलेक्शन है उसी ट्यूनर सर्किट के द्वारा हम लोग सिलेक्शन कर पा रहे थे। तो चलिए आइए इस ट्यूनर में क्या क्या होते हैं, ट्यूनर क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है, इसके बारे में जाने। तो ये देखिए, ये RX एंटीना है। ये RX एंटीना क्या करेगा, तो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है उसको हमारा किस में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के साथ साथ ये क्या करता है, तो ये सिग्नल जो रिसीविंग एंटीना के द्वारा जो कैच किया गया, जो रिसीव किया गया सिग्नल, वो पूरा का पूरा सिग्नल किसको ट्रांसफर हो जाए, रिसीवर सर्किट को ट्रांसफर हो जाए। इसके लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे इंपीडेंस मैचिंग का काम जरूरी होता है। तो इंपीडेंस मैचिंग का काम करने का मतलब जो हमारा रिसीवर सर्किट है उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो इम्पीडेंस है, वो किसके इम्पीडेंस के इक्वल कर दिया जाए, तो इस एंटीना के इम्पीडेंस के इक्वल कर दिया जाए, तभी तो टोटल पावर क्या होगा, ट्रांसफर हो पाएगा रिसीवर सर्किट को। तो इसके लिए करने के लिए इम्पीडेंस मैचिंग को वर्क को कम पूरा करने के लिए क्या होता है, तो इसमें एक बैलून सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। बैलून सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बैलून सर्किट क्या करता है, तो लाइक एज जिस तरह से ट्रांसफार्मर का काम है, क्या काम है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई में, हाई वोल्टेज को लो में कर देता है। तो सेम टू सेम उसी तरह से ये बैलून वाला सर्किट है जो कि वर्क करता है किसके लिए, तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। वो कैसे वर्क करेगा, तो ये जो हमारा रिसीवर सेक्शन है इसका टोटल इम्पीडेंस जो है वो, और ये एंटीना का इम्पीडेंस है, उसको एक दूसरे को लेवल में करता है, मतलब कि इम्पीडेंस को मैच करता है, सेम इम्पीडेंस पे सेट करने का काम करता है। इसके अनुसार ये क्या हो सकता है, तो ये बैलून का इम्पीडेंस क्या हो सकता है, तो उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है, और उसको एडजस्ट करके किसके इक्वल में करता है, तो इस एंटीना के इम्पीडेंस के इक्वल में करता है। तो ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी अभी हम लोग जस्ट इसके बाद बैलून के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, तो ऐसे सिर्फ इतना ही आप लोग समझिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, तो ये RF एम्पलीफायर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, जो सिग्नल आया उसको क्या करेगा, ये एम्पलीफायर एम्पलीफाई करने का काम करेगा, और फर्दर इसका जो एम्पलीफाई करने के बाद ये किसको जाता है, तो मिक्सर सर्किट को जाता है, जहां पे ये मिक्सर सर्किट को एक और सिग्नल मिलता है, लोकल ऑसिलेटर वाला सिग्नल, उसके बाद मिक्सर सर्किट क्या करता है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है। और टेलीविजन में वीडियो सिग्नल के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 38.9 मेगाहर्ट्ज होता है, और ऑडियो के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 33.4 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक ट्यूनर जो है वर्क परफॉर्म करता है। और ये जो हमारा टीवी है वो दो रेंज में ऑपरेट होते हैं, कहने का मतलब VHF बैंड में और UHF बैंड में, ठीक है, UHF और VHF बैंड में ये ऑपरेट होते हैं। तो ये दोनों बैंड के लिए, तो हमारा ट्यूनर भी इन दो बैंड के हिसाब से ये क्या होता है, दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक VHF ट्यूनर और एक UHF ट्यूनर। तो जहां पे जियो वाला सिग्नल हमको कैच करने के लिए, रिसीव करने का जरूरत पड़ता है, उस तरह का हमारा ट्यूनर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनली रूप से ये जो हमारा ट्यूनर है, वो ट्यूनर में कौन कौन सा वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहला वर्क परफॉर्म हो रहा है क्या, फंक्शन ऑफ ट्यूनर में सबसे पहला क्या हो रहा है, तो सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड स्टेशन एंड रिजेक्ट अदर स्टेशन। कहने का मतलब जो हमारा जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग क्या करते हैं, ट्यूनर की मदद से सिलेक्ट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए हर एक चैनल का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिस तरह से हम लोग रेडियो में सुनते हैं विविध भारती, तो उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, 100.9, तो 100.9 पे सेट करते हैं, तो क्या होता है, विविध भारती वाले सिग्नल को वो रिसीवर रिसीव करता है और बाकी को रिजेक्ट कर देता है। सेम टू सेम उसी तरह से इसमें जिस चैनल को हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो उसके फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं, तो उसी वाले फ्रीक्वेंसी को ये कैच करेगा और बाकी को रिजेक्ट कर देगा। तो वही कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड स्टेशन एंड रिजेक्ट अदर स्टेशन,
उसके बाद कह रहा है कि इम्प्रूव एसएन रेशियो। एसएन रेशियो क्या होता है? तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है। ये जितना ज्यादा इंप्रूव करेगा उतना ज्यादा आपका रिसीवर का सिलेक्शन करने का प्रोसेस होगा, मतलब सिलेक्टिविटी उसकी उतनी हाई होगी। तो ये क्या करता है? इंप्रूव करने का काम करता है, एसएन रेशियो को इंप्रूव करता है, तभी तो ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर पाता है, कैच कर पाता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो रिड्यूस स्नो ऑन द पिक्चर। क्या होता है, जब भी ये सिलेक्शन करने का काम करता है, सिग्नल को सिलेक्शन काम करने का काम करता है, तो क्या होता है, हमारा देखते थे पहले जो मोनोक्रोम होता था उसमें क्या होता था कि जब ट्यूनिंग करते रहते थे तो क्या होता था, फिगर ऊपर नीचे आते जाते रहता था। वो जो स्नो का प्रोसेस होता था, मतलब कि फिगर इधर उधर होते रहता था, तो उसी प्रोसेस को कहते थे स्नो। तो ये ट्यूनर के मदद से हम लोग क्या करते थे, उसको सेट करते थे, इस तरह से एडजस्ट करते थे ताकि वो उसका फिगर क्या है, सेट हो जाए, रिड्यूस हो जाए, जो जितना फास्ट इधर उधर हो रहा था वो क्या हो जाए, स्लो हो जाए। तो ये क्या करता है, रिड्यूस स्नो ऑफ द पिक्चर। तो ये ट्यूनर की मदद से हम लोग को वो जो स्नो हो रहा था, मतलब तेजी से ऊपर नीचे जो हो रहा था, उसको रिड्यूस करने का भी वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इम्पीडेंस मैचिंग बिटवीन एंटीना एंड रिसीवर, और ये क्या करता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग का वर्क भी परफॉर्म करता है। तो वो किसकी मदद से करता है, तो इसी बैलून की मदद से करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्यूनर को जाना, ट्यूनर का सर्किट कैसे वर्क परफॉर्म करता है इसके बारे में जाना। चलिए आइए अब हम लोग बैलून के बारे में डिटेल से जानते हैं कि बैलून क्या है। तो हमारा बैलून क्या है, तो बैलून एक इम्पीडेंस मैचिंग का वर्क कर रहा है। चलिए आइए जानते हैं बैलून क्या है। तो बैलून क्या है, तो बैलून इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच इज यूज फॉर कपलिंग द टीवी एंटीना एंड ट्यूनर। ये बैलून क्या कर रहा है, तो ये कपलिंग का काम कर रहा है, किसके किसके बीच, तो एंटीना और ट्यूनर के बीच। क्या होता है, ट्यूनर को वो पूरा का पूरा सिग्नल चाहिए, जो एंटीना क्या करता है, किसी सिग्नल को रिसीव करता है। तो देखिए वो पूरा का पूरा सिग्नल ट्यूनर के पास तभी ट्रांसफर हो सकता है जब दोनों का इम्पीडेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसी इम्पीडेंस को सेम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो एक बैलून डिवाइस का यूज किया जाता है, जो कि लाइक एज ए ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, तो एडजस्ट करने का काम करता है। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये बैलून इज ए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर विच यूज टू कपलिंग द टीवी एंटीना एंड ट्यूनर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस कहते हैं। बैलून ट्रांसफॉर्मर द 300 ओम इम्पीडेंस ऑफ एंटीना। एंटीना का एक जनरली वे में इम्पीडेंस देखा जाए तो 300 ओम के लगभग में होता है, और वो क्या होता है, ट्यूनर का जो इम्पीडेंस होता है वो 75 ओम के लगभग में होता है। तो देखिए ये 300, ये 75, इसको एडजस्ट करने का काम कौन करेगा, तो यही बैलून करेगा। तो इस तरह से हमारा बैलून डिवाइस क्या होता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग का वर्क करता है, और एंटीना को ट्यूनर के साथ कपल करने का वर्क करता है, जिसके कारण से पूरा का पूरा सिग्नल एंटीना के द्वारा किसको, ट्यूनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में, कि वो बूस्टर एम्पलीफायर किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो बूस्टर एम्पलीफायर क्या है हमारा, तो बूस्टर एम्पलीफायर, बूस्टर से आपको लग ही रहा है, क्या करेगा, सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा। कहने का मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने, एम्पलीफायर है तो एम्पलीफाई करने का काम करेगा। तो ये बूस्टर एम्पलीफायर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी लो सिग्नल को, जैसे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे हमारा क्या होता है, टीवी सिग्नल्स बहुत ही कम पकड़ता है, जो हमारा वहां पे सिग्नल आ पाता है वो बहुत कम, रेयर केस में बहुत कम मात्रा में आ पाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे टेलीविजन सिस्टम में दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कौन कौन प्रॉब्लम होते हैं, तो एक स्नोइंग पिक्चर, वो जो पिक्चर होता है वो क्लियर नहीं दिखता है, उसमें बहुत तरह का जैसे हो जाता है, जैसे फिगर ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा होने लगता है, पिक्चर में थोड़ा सा भी क्वालिटी नहीं रहता है। तो ये सारा प्रॉब्लम किसके कारण से होता है, तो सिग्नल नहीं सही से पकड़ने के कारण से। वो जो रिसीवर होता है हमारा, जो सिग्नल जो रिसीवर होता है, रिसीविंग एंटीना होता है, वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो ऐसा इलाका ही है जहां पे सिग्नल सही से पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है स्नोइंग, और हिसिंग साउंड, साउंड थोड़ा भी नहीं सुनाई देगा, सरसराहट गड़गड़ाहट इस टाइप का साउंड आने लगेगा। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो किसके कारण से, तो सिग्नल ना पहुंचने के कारण से।
तो ऐसा कहां पे होता है, तो वैसा सुंदरवर्ती इलाका जहां पे सिग्नल नहीं आ पाता है। बहुत सारे ऐसे ही इलाके हैं जहां पे सिग्नल नहीं सही से पकड़ पाता है, तो उस जगह पे क्या किया जाता है कि रिसीविंग एंटीना में, रिसीविंग एंटीना के बाद एक क्या लगा दिया जाता है, तो बूस्टर एम्पलीफायर लगा दिया जाता है। वो बूस्टर एम्पलीफायर क्या करता है, वो जो सिग्नल थोड़ा बहुत आता है उसको क्या करता है, बूस्ट करके एम्पलीफाई कर देता है। कहने का मतलब उसको हाई लेवल तक एम्पलीफाई कर देता है, और जिसके कारण से हमारा ये जो प्रॉब्लम हो रहा था स्नोइंग पिक्चर हिसी साउंड का जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है बूस्टर एम्पलीफायर। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये यागी उडा एंटीना है जो रिसीविंग के लिए हम लोग टेलीविजन सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। ये एंटीना है, ये देखिए एंटीना के साथ ये वायर कनेक्टेड है, वो फिर सिग्नल किसको जा रहा है, तो इस बूस्टर एम्पलीफायर को जा रहा है। ये बूस्टर एम्पलीफायर के द्वारा क्या किया जाएगा, वो सिग्नल को जो हमारा लो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर दिया जाएगा, उसके स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देगा, और एम्पलीफाई करने के बाद क्या होगा, तो ये बूस्टर कंट्रोलर को जाएगा और उसके बाद फिर टेलीविजन को जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा जो प्रॉब्लम हो रहा था स्नोइंग पिक्चर का और हिसिंग साउंड का, जैसे फिगर में जो बहुत ज्यादा इधर उधर हो जा रहा था तो हमें फिगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, हिसी साउंड साउंड सही से नहीं सुनाई दे रहा था, तो ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बूस्टर एम्पलीफायर को यूज करते हैं। जैसे वैसे इलाके जहां पे सिग्नल सही से नहीं पहुंच पाता, सिग्नल रिसीव नहीं हो पाता, उतना सिग्नल नहीं रिसीव हो पाता, तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग बूस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। बूस्टर एम्पलीफायर क्या है, तो बूस्टर एम्पलीफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच एम्पलीफाई द वीक टीवी सिग्नल। वीक टीवी सिग्नल क्या करता है, तो बूस्टर एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि क्या करता है, तो वीक टीवी सिग्नल को एम्पलीफाई करने का वर्क करता है। बिफोर द ट्यूनर इन फ्रिंज एरिया। फ्रिंज एरिया कहने का मतलब सुंदरवर्ती एरिया जहां पे सिग्नल सही से नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बूस्टर एम्पलीफायर के फंक्शन के बारे में जाना। तो इस तरह से हमारा बूस्टर एम्पलीफायर वर्क करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बूस्टर एम्पलीफायर को। तो चलिए आइए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो इसको आप लोग अपने मन से लिखा कीजिए, पढ़ा कीजिए। जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से इसको, जैसे मैं हिंदी में बताता हूँ तो उसको सुन करके उसको लिखा कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि एक रिविजन होते रहेगा और ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और देखिए एग्जाम में लिखने का आता है, क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताने का आता है, तो आप लोग इसको लिख करके जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। इससे आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। क्या होता है कि हम लोग याद करते हैं, याद करने के बाद भूल जाते हैं एग्जाम में लिखते समय, तो ये जब आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा तो आप भूलिएगा नहीं। और ये सारे छोटे छोटे टर्म जो है, जैसे बूस्टर एम्पलीफायर, बैलून, ट्यूनर, ये सारा, फिर रिमोट कंट्रोल, ये सारे पे शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे या फिर 4 नंबर या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो भी मैं बताता हूँ, तो जहां पे आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो वहां पे जरूर ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि आपका नंबर जो है इंक्रीज कर सके। क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, टेलीविजन इंजीनियरिंग पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है, तो इसमें ब्लॉक डायग्राम दर्शाइएगा, उसको सही ढंग से आप एक्सप्रेशन पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपके नंबर है जो नहीं कटेंगे। क्योंकि ये टेलीविजन इंजीनियरिंग थ्योरी होने के कारण से इसमें नंबर थोड़ा कम मिलता है, तो ये ब्लॉक डायग्राम वगैरह हम क्यों कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक को एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाए, तो इससे क्या होगा कि आपके समझने में भी आसानी होगा और क्वेश्चन को जब ब्लॉक डायग्राम के द्वारा आप इसका आंसर दे करके आएगा तो आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए आइए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें।